हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंडियन क्रिकेट टीम का हाल ही में आपको बता दें, गुरुवार के दिन आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ जो कि कोरोना के लिए करवाया जाता है और ये पहला टेस्ट पूरी ही टीम का नेगेटिव रहा और ये अच्छी खबर है। आपको बता दें कि फरवरी में ही इंग्लैंड के साथ भारतीय टीम को मैच खेलना है, ऐसे में ये जो टेस्ट है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि 2 फरवरी को जो अभ्यास मैच होना है उससे पहले 2 और स्टेजेस या टेस्ट से कहें भारतीय टीम को गुजरना होगा। उससे पहले पूरी टीम को यहां पर होटल में रखा गया है, आपको बता दें चेन्नई में एक ही होटल में दोनों टीमें ठहरेंगी। भारतीय टीम वहां पर पहुंच चुकी है और बहुत अच्छी बात यह है कि बीसीसीआई ने यहां पर अनुमति दे दी है क्रिकेटर्स को परिवार के साथ रहने के लिए, जिससे कि जो क्वारंटीन का उनका पीरियड है जिसमें उन्हें एकांत में रहना पड़ता है वो यहाँ पर क्रिकेटर्स का अच्छे से गुजरेगा। हालांकि बीसीसीआई ने इसको लेकर कई अन्य जानकारियां भी दी है कि जैसा कि अभी 2 और टेस्ट होने हैं, पहला टेस्ट नेगेटिव रहा है, ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले जो 2 टेस्ट होंगे वो भी यहाँ पर सकारात्मक नतीजे ही लेकर आएंगे और टीम पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि पिछली ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्मेंस भारतीय टीम ने दी है वो बेहद जबरदस्त है और उम्मीद है कि उसी परफॉर्मेंस को वो दोहराएंगे। इन सब के बीच आपको बता दें कि भारतीय टीम पहुंच चुकी है चेन्नई, ऐसे में अजिंक्य रहाणे यहां पर जो उप कप्तान है वो भी पहुंच चुके हैं, बल्लेबाज रोहित शर्मा, विकेटकीपर रिद्धिमान शाह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या परिवार सहित चेन्नई पहुंच चुके हैं और रोहित शर्मा भी अपने पूरे परिवार के साथ चेन्नई पहुंच गए, ऐसे में इंतजार है तो बस अब इस सीरीज के यहाँ पर शुरू होने का। ऐसे में जो परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखने को मिली है उसी को क्या भारतीय टीम एक बार फिर से दोहराती है उस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। ऐसी तमाम जानकारियां पाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।